How you can make unlimited iron farm in your Minecraft pocket edition? I know तुम्हें से काफी बंदों को ऐसा लगता है कि Minecraft pocket edition में iron golem farm बनाना बहुत ही ज़्यादा hard होता है, like ये pocket edition में work ही नहीं करता है, but ये गलत है यार, like तुम लोग अपनी screen पे proof देख सकते हो, अभी तो है सामने iron golem spawn हुआ है, and yes, अगर तुम्हें भी ये बनाना है तो video class तक watch कर लेना। So if तुम लोग एक beginner हो, like अपना server world अभी start किया है, तो है बस कोई zombie या फिर name tag वगैरह नहीं है, and तुम लोग बहुत ज़्यादा डरते हो zombie को ऊपर ले आने में, तो मैं तुम लोग को बता दूँ कि इसमें zombie की भी help तुम्हें नहीं लगने वाली, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 villagers चाहिए। हाँ, वो पता लगे, दो villagers को ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बट ये तुम्हें बहुत ही कम चीजें लगेंगी एंड ये बिल्ड करके तैयार हो जाएगा एंड ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। सोचे से पहले तुम्हें बिल्डिंग ब्लॉक से 20 ब्लॉक्स की हाइट का एक टावर बनाना है एंड उसके ऊपर 7x7 का एक प्लेटफॉर्म बना देना है। तो ये 7x7 प्लेटफॉर्म बनाने के बाद तुम्हें इसके चारों साइड पर 7 ब्लॉक्स ऊंची वॉल बना देनी है। तो उसके बाद तुम्हें इसके अंदर जाना है एंड इस लाइन के सारे ब्लॉक्स को हटा देना है एंड इसके नीचे वाली लाइन के भी सारे ब्लॉक्स हटा देना है। यही सेम चीज तुम्हें हर एक साइड में करना है एंड चारों साइड के इन ब्लॉक्स को हटा देना है। तो इस सारे ब्लॉक्स रिमूव करने के बाद तुम्हें इसे बाहर से कवर कर देना है एंड ये तुम्हें चारों वॉल्स पर करना है। तो चारों साइड से कवर करने के बाद तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरह का दिखेगा एंड यहाँ पर तुम्हें वैसे बेड लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ एंड यहाँ पर तुम्हें टोटल 20 बेड लगा देने हैं। तो ये लास्ट के 2 बेड हमें लगा देने हैं एंड हमारा 20 बेड वाला कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पर तुम्हें क्राउच करना है एंड बेड के ऊपर एक ब्लॉक लगाना है, देन उसके बाद इस ब्लॉक से पूरे एरिया को कवर कर देना है। तो ये प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद तुम्हें इस साइड में इन सारे ब्लॉक्स को ब्रेक करना है एंड यहाँ पर 5 ब्लॉक एक लाइन में होंगे, ये ध्यान रखना, अगर ये 5 ब्लॉक ही है तो तुम्हारा ये जो बिल्ड है वो पूरे एकदम सही से है। एंड बस यहाँ पर तुम्हें वर्क बेंच लगाने हैं चारों साइड में एंड ये भी 20 होंगे पूरे एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम फ्लेचिंग टेबल का यूज कर लो। तो ये काम हो जाने के बाद तुम्हें विलेजर रिस्पॉन्ड कर लेने हैं एंड याद रहे तुम्हें वो नल्ला विलेजर रिस्पॉन्ड नहीं करना है जो ग्रीन कलर से होता है एंड यहाँ पर कोई बेबी विलेजर भी नहीं होना चाहिए एंड अगर गलती से भी वो रिस्पॉन्ड हो गया तो तुम्हें उसे यहाँ से किल कर देना है। ना ये भी याद रखना कि जो ये बिल्ड तुम लोग बना रहे हो इसे किसी भी विलेज से 100 ब्लॉक्स दूर ही बनाना। तो ये सारे 20 विलेजर रिस्पॉन्ड करने के बाद तुम्हें यहाँ पर टॉर्च लगा देनी है एंड इनके सर के ऊपर से ही इस प्लेटफॉर्म को बंद कर देना है। तो अब तुम्हें इस जगह पे स्लैब लगा देना है जैसे यहाँ पर कोई मोब या फिर आयरन ग्लोम इसके ऊपर स्पॉन ना हो जाए। तो ऊपर स्लैब वाला काम कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ भी ढेर सारे स्लैब्स लगा देने हैं क्योंकि आयरन ग्लोम यहाँ भी स्पॉन हो सकते हैं। तो हम लोग वो प्लेस बनाने वाले हैं जहाँ पर आयरन स्टोर होगा एंड भाई अभी तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे सामने ही एक आयरन ग्लोम स्पॉन हो चुका है। तो आयरन स्टोर करने के लिए तुम्हें यहाँ पर 3 ब्लॉक्स को ब्रेक करना है, यहाँ पर तुम्हें चेस्ट रख देना है, उसके आगे हॉपर कनेक्ट कर देना है चेस्ट एंड ये क्राउच करके तुम्हें करना पड़ेगा, देन फिर से तुम्हें क्राउच करना है एंड हॉपर के ऊपर एक बटन लगा देना है। तो मैं जैसे यहाँ पर साइन बोर्ड लगा रहा हूँ वैसे तुम्हें लगा देना है, यहाँ पर तुम्हें 2 लगाने हैं, इसके आगे एक लगाना है एंड इधर आकर के इस पहले मुझे इस आयरन ग्लोम को हटाना पड़ेगा एंड मैं इसे हटा देता हूँ एंड हाँ यहाँ पर तुम्हें क्राउच करना है एंड यहाँ पर चेस्ट लगा देना है। अब इससे क्या होगा ना, तुम यहाँ पर जब लावा प्लेस करोगे तो वो नीचे भी नहीं जाएगा एंड आस पास भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें वापस ही ब्लॉक प्लेस करना है एंड उसके बाद लावा इसके ऊपर रख देना है। तो तुम लोग देख सकते हो लावा एक जगह पर रुका हुआ है एंड अभी यहाँ पर तुम्हें 2 ब्लॉक लगा दें, एक इधर लगाना है एक इधर लगाना है एंड इन दोनों के ऊपर वाटर प्लेस करना है एंड उसके बाद इन दोनों ब्लॉक्स को ब्रेक कर देना है। तो तुम लोग देख सकते हो दोनों आयरन ग्लोम जल रहे हैं एंड यहाँ पर आयरन ग्लोम स्पॉन होते रहेंगे एंड यहाँ पर आयरन स्टोर होता रहेगा। जो अभी एफके प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर 10 ब्लॉक्स ऊंचा एक टावर बनाना है एंड उसके ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना है जिस पर तुम एफके हो सकते हो ना। यहाँ ऊपर आने के लिए तुम लैडर्स का यूज कर सकते हो, यहाँ पर लैडर तुम लोग प्लेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर छोटे एफके रहने वाला हूँ एंड देन तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आयरन स्टोर हुआ है। तो मैं 5 या फिर शायद 6 मिनट एफके था एंड अभी देखते हैं लोगों को कितना आयरन मिला है चेस्ट में। तो तुम लोग अभी देख सकते हो यार 5 से 6 मिनट में तुम लोगों को 3 स्टैक ऑफ आयरन मिल चुका है, बल्कि उसे ज्यादा ही मिला है एंड ये स्पॉन होते ही रहते हैं यार, कभी कभी तो एक बार में 2 स्पॉन हो जाते हैं। तो आई होप तुम लोग वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे होगे एंड तुम लोगों को वीडियो में मजा भी आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अगली वीडियो में किस पर चाहिए कमेंट बता देना एंड मैं मिलता हूं कि माइनक्राफ्ट की ऐसे करो तुम्हारे दार वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।